जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स को इस वर्ड को मिस प्रोनाउंस करते हुए वो कहते हैं शेड्यूल वेल दिस वर्ड इज नॉट शेड्यूल इट्स शेड्यूल सो इट्स नॉट डूल्ड इट्स जूल इंग्लिश में मैंने आपको बताया कि स्पेलिंग के हिसाब से आप वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर सकते सो so, इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपनी लर्निंग को भी बहुत सीमलेस बना सकते हैं जैसे कि चैट जी फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी लिखना है आप उसमें अपने रिक्वायरमेंट्स डालें आपको वो फॉर्मेट दे देगा उसके अलावा आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं You know, AI, what's up baby? Hello, everyone. My name is Arif Siddiqui, and I am a Delhi based English language trainer. I have been helping people to learn English for last 10 years, and I have the students from all walks of life. I would rather say the learners from all walks of life. They are schoolgoers, goers, college goers, working professionals, and housewives. Online and offline, both from India and abroad. Well, now I'm going to take some of the questions asked by Josh Talk viewers. So let's go ahead and take the first question. Can you suggest some strategies that one can use to work on their pronunciation and accent without feeling overwhelmed or demotivated? Any step by step process? So, about pronunciation. सो so, ये वर्ड बाय वर्ड हो सकता है और सेंटेंस वाइज भी हो सकता है सो लेट्स टॉक अबाउट कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करें और अच्छे तरीके से कैसे प्रोनाउंस कर पाए क्या प्रोसेस है इसको लर्न करने का सो so, जैसा कि आप लोग जानते हैं इंग्लिश में और नहीं जानते तो मैं बता दूँ आपको इंग्लिश ने बहुत सारे लैंग्वेज से वर्ड्स को बोरो किए इसी वजह से कई बार जैसे आप स्पेलिंग देखते हैं वो वैसे वर्ड प्रोनाउंस नहीं किया जाता सो so, जब भी आप कोई नया वर्ड सीखे सो यू बेटर चेक इट आउट इन द डिक्शनरी जब आप मीनिंग देखते हैं तो आप उसके साउंड्स को भी देख सकते हैं जिसके लिए आप कोई ऑथेंटिक डिक्शनरी मैं रिकमेंड करूंगा आप कैम्ब्रिज डिक्शनरी में इसको चेक करें वहां पे आपको ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों साउंड्स मिल जाएगी इसकी सो तो पहला तरीका है उसके अंदर जब आप वर्ड को फीड करेंगे तो वहां पर आपको दो स्पीकर शो करेंगे यूके और यूएस करके जैसे मान लो मैं एक वर्ड लेता हूं दिस वन जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स को इस वर्ड को मिस प्रोनाउंस करते हुए वो कहते हैं शेड्यूल वेल दिस वर्ड इज नॉट शेड्यूल इट्स प्रोनाउंस ईदर अगर आप ब्रिटिश साउंड्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप बोलेंगे इसको शेड्यूल सो इट्स नॉट डूल इट्स जूल अमेरिकन इंग्लिश में इसको कहते हैं स्कैजूल दोनों में ही जूल पढ़ा जाता है ना कि डूल पढ़ा जाता है तो उसके लिए आप अभी अगर आप अगर बिगनर हैं तो आप उस स्पीकर को प्रेस करें आपको वो साउंड सुनाई देगी और आप उसे बोल सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका दूसरा तरीका है फ्लेटिक्स चार्ट को सीखना आईपीए इंटरनेशनल फ्लेटिक्स चार्ट तो जब आप कोई वर्ड देखते हैं ना तो उसके बगल में आपको स्लैश में आईपीए के कुछ सिंबल्स दिखाई देंगे वो आप सीख सकते हैं ये सेकेंड स्टेप है इंग्लिश में मैंने आपको बताया कि स्पेलिंग के हिसाब से आप वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर सकते सो so, इंग्लिश के अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं बट इसके साउंड्स 44 होते हैं तो इस आईपीए में आपको बताया जाता है कि आपके लिप, टंग और तीत की क्या प्लेसमेंट होती है पर्टिकुलर वर्ड को प्रोनाउंस करते हुए जैसे आ, मेरा एक स्टूडेंट है अक्सर वो इस वर्ड को वे पढ़ देता है वाट वाट आर यू सेइंग सर इट्स नॉट वाट उसकी प्लेसमेंट में थोड़ी सी दिक्कत थी साउंड को प्रोनाउंस करने के लिए हमारी जो वुमेन प्रोनाउंस किया जाता है फ्रेट में आप सीखेंगे कि इसमें जो एम ए एन है लास्ट में इसे स्वा से रिप्लेस किया जाता है स्वा एक पर्टिकुलर सिंबल होता है इसमें तो ये वुमेन पढ़ा जाता है इसी प्रकार इसका जो फ्रल है हम इसको पढ़ देते हैं विमेन इट्स विमेन विमेन तो दूसरा स्टेप यह है और तीसरा स्टेप आप सुनो और रिपीट करो नेटिव स्पीकर्स को आप सुन सकते हैं जिनकी इंग्लिश मूल भाषा है वो जनरली वर्ड्स को करेक्ट प्रोनाउंस करते हैं सो लिसन टू देम एंड प्रैक्टिस दैट्स हाउ आप आसानी से वर्ड की प्रोनाशिएशन को सीख सकते हैं तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ ए आई पावर टूल्स हाउ कैन लर्नर्स इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन टू देयर प्रैक्टिस फॉर रियल टाइम फीडबैक ऑन इंग्लिश आज के दौर में मैं बात कर रहा हूँ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर की हमारे चारों तरफ टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपनी लर्निंग को भी बहुत सीमलेस बना सकते हैं जैसे कि आप कुछ ए आई टूल्स आप सबने सुना होगा ए आई मार्केट में नया टूल आया है आप जानते हैं इसके बारे में इसमें कुछ टूल्स हैं मैं उसकी बात कर लेता हूं चैट जीपीटी फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी लिखना है आप उसमें अपने रिक्वायरमेंट्स डालें आपको वो फॉर्मेट दे देगा और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो चीज़ें लिख सकते हैं ये तो हो गया कि लाइक आप कोई लेटर लिखना चाहते हैं या कोई ऐसे लिखना चाहते हैं वहां पे आप आपको हेल्प मिल जाएगी बट आपको इंप्रूव भी करना है सो तो आपको चीज़ें खुद लिखनी है और अगर आपको ये देखना है कि आपकी ग्रामर उसमें सही है नहीं है इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ग्रामरली आप लोगों ने सुना होगा इसमें अब जब आप इस पे यू नो कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो आपके सारे भी, आप भी चीजें पूछ सकते हैं इट विल आंसर यू नो इंस्टेंटली तो ये भी आपकी लाइफ को आसान बना देगा आपकी लर्निंग को आसान बना देगा उसके अलावा बहुत सारे एप्स हैं आई गेस जोशॉक वालों का भी ऐप है इन इसके थ्रू आप अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर पाएंगे क्योंकि एट दी एंड आपको बोलना है बोलने के लिए आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इनका भी इसका भी यूज कर सकते हैं इन सारे टूल्स के अलावा आप सिंपली गूगल का भी यूज कर सकते हैं ये बहुत यूजफुल है मतलब ये सारी चीजें ना इसी में इंटीग्रेटेड है गूगल आप गूगल के सर्च इंजन पर जाएं और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उससे रेलिवेंट की वर्ड डालें वहां पे आपको उसका आंसर इंस्टेंटली मिल जाएगा एआई गूगल पे भी वर्क करता है और आपको रेलिवेंट डिक्शनरीज भी दे देगा ना सिर्फ वर्ड्स के केस में इवन आप ग्रामर पूछ सकते हैं ओके पर्टिकुलर सेंटेंस के बारे में आप जानना चाहते हैं या पर्टिकुलर ग्रामर के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कैसे यूज किया गया अगर आपको प्रैक्टिस करनी है मतलब आपको ये देखना है कि नेटिव स्पीकर इसको कैसे बोलते हैं तो एक वेबसाइट है दैट्स कॉल्ड इंग्लिश आप उस फ्रेज को उसमें डालें आपको उससे रिलेटेड वीडियोज मिल जाएगी और ये दिखाएगा कि कैसे किसी व्यक्ति ने किस मंच पर उस वर्ड को किस सेंस में यूज किया आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं

टाइम और सब्जेक्ट के नंबर के आधार पे चेंज होता है और जनरली किसी भी वर्ब की पांच फॉर्म्स बनती है मैं एक एग्जांपल देता हूं बहुत बेसिक वर्ड से जैसे कि हमारे पास वर्ड हो गया गो इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन और आईन फॉर्म को फोर्थ फॉर्म कहते हैं दैट इज गोइंग एंड एस फॉर्म को कहते हैं गोस ये पांच रूप ही दिखाई देंगे ये उसके सब्जेक्ट के नंबर और टाइम पे निर्भर करेगा कि आप क्या यूज करते हैं तो अक्सर जो स्टूडेंट्स है ना वो प्रेजेंट और पास्ट में ज्यादा गलतियां है करते हैं फ्यूचर में ऑलमोस्ट बन भी जाता है बट आई जस्ट डिस्क्राइब इट ओके दूसरी चीज ये कि वर्ब सिर्फ एक्शन एक्शन वर्ब 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 नहीं होती जैसे कि ये वर्ब था ऐसे भी वर्ब है जो नॉन एक्शन की कैटेगरीज में आती है जिनका काम कोई कार्य दिखाना नहीं होता ये सिचुएशंस को भी डिस्क्राइब करती है uh, मैं एक एग्जांपल लू बी की बी को इंग्लिश में दो प्रकार से यूज किया जाता है प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये इकलौता ऐसा वर्ड है जिसकी आठ फॉर्म होती है लमी सही आठ फॉर्म्स अगर बी की प्रेजेंट फॉर्म आप सब जानते हैं इसको बस मुझे इसको हाईलाइट करना है ये अलग अलग वर्ड नहीं है फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म वॉज वर्क थर्ड फॉर्म इसकी होती है बीन और आज जी फॉर्म होती है इसकी बीन ये भी अपने सब्जेक्ट और नंबर पे डिपेंड करता है अब मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा डेली वर्क परमानेंट एक्टिविटीज की बात करेंगे तो आप प्रेजेंट इंडाफिनेट का यूज करेंगे और यहां पे सिर्फ वर्ब की दो फॉर्म का यूज किया जाएगा फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ई एस वाले फॉर्म को फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है तो जब आप अपनी बात करें फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन की बात हैं तो आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन वो बेसिकली जैसे मैं और आप मिलकर बात कर रहे हैं किसी चीज के बारे में और किसी तीसरे व्यक्ति को इंक्लूड कर रहे तो वो कहलाएगा थर्ड पर्सन अगर वो सिमिलर है तो उसके साथ फिफ्थ फॉर्म का यूज किया जाता है मैं एग्जाम्पल समझता हूं जैसे मैं कहूं आई मैं तीन सेट ऑफ एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको जिसमें मैं अलग अलग वर्ड यूज करूंगा आई प्ले क्रिकेट अब मैं यहां पे जब सब्जेक्ट चेंज करूंगा की जगह पे मैं ही यूज करूं तो प्ले का बन जाएगा प्लेज जब भी किसी टेंस में बदलाव आता है बेसिकली उसके वर्ब में बदलाव आएगा सो ही प्लेज क्रिकेट ये हो गया एक्शन वर्ब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर वर्ब आई ये सब्जेक्ट ये वर्ब। ये वाला जो वर्ब है ये यहां पे कोई एक्शन नहीं दिखा रहा बट ये वर्ब है

दूसरा सेट लेते हैं। मैं टीचर हूं तो मैं बोलूंगा आई एम अ टीचर और मैं कहूं मेरी वाइफ टीचर है तो सेंटेंस बनेगा माय वाइफ इज अ टीचर ये इज को तो आप जानते हैं लेकिन ये जो इज है ना ये बी की एस एस वाली फॉर्म जैसे प्ले का प्लेज बनता है।, है बनता है ऐसी बी की एस एस फॉर्म होती है इज ये बात होगी प्रेजेंट की आप एक्शन वर्ब लगा दो आई गो टू ऑफिस ओके आई कम बैक होम आई प्ले आई शीड शी अब थर्ड पर्सन के साथ ई एस का यूज करेंगे ठीक अब जब हम पास्ट बनाते हैं तो मेजर गलतियां यहां पर होती है जो मैंने नोटिस किया अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेजेंट के सभी टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और पास्ट के सभी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है हो सकता है आपके लिए ये नया सा हो बट किसी भी सेंटेंस में ना वर्ब दो प्रकार के होते हैं एक कहलाता है फाइनाइट और एक कहलाता है नॉन फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनपे उनके सब्जेक्ट के नंबर का और टाइम का फर्क पड़ता है अगर आप प्रेजेंट में देखोगे ना तो सभी टेंस में मेंट कंटिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्क की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे जैसे मैं कहूँ कि मैं टीवी देखता हूँ आई वॉच टीवी वॉच वर्क की फर्स्ट फॉर्म है थर्ड पर्सन है तो ऐसी है लग जाएगा फिफ्थ फॉर्म आ सकती है ही वॉच इजीवी एस एस प्रेजेंट इंडाफिनट में या हम प्रेजेंट के सारे टेंस में कंटिन्यू रहेगा इसके अलावा मैं कहूँ कि मैं टीवी देख रहा हूँ तो बी की फर्स्ट फॉर्म आई के साथ एम वह देख रही है तो शी के साथ इज प्लुरल है वे देख रहे हैं तो दे के साथ आर ये बी की फर्स्ट फॉर्म है परफेक्ट में परफेक्ट में क्या लगाते हैं आप हैव या ये फर्स्ट और जैसे है इसकी भी पांच फॉर्म होती है इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है तो चार मान लो आप हैव की और थर्ड फॉर्म होती है हैड थर्ड फॉर्म भी हैड आईएनजी फॉर्म को हैविंग कहेंगे

इसी प्रकार बी यानीओगे वर् प्लस आईनजी के में, में बाद हम आगे करेंगे आप मेरी बात समझ रहे इसी प्रकार जब हम पास्ट बनाएंगे, तो सब में सेकेंड फॉर्म लगाई जाएगी जैसे मैं कल कॉलेज गया था तो गो की सेकेंड वेंट सिंपल टाइम हो गया पास आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे अब मैं इसका कॉन्टिन्यूस बनाऊं कल सुबह बारिश हो रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूस है

लंच बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड अब मैंने हेड को यहां पे दो तरीके से यूज किया एक तो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस में हैव का यूज किया जाता है पास्ट है तो यहां पे हेड आया सॉरी तो ये वाला हेड अब खाने के लिए भी हम हैव लगाते हैं मैंने आपको बताया ईट के जगह पे तो मैंने यहां पे

तो वर्ब बहुत आसान है वर्ब की पांच फॉर्म होगी ठीक है बी के बाद हमेशा वर्ब प्लस आइन आएगा हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा पास्ट में सेकेंड फॉर्म लगाते हैं और प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फ्यूचर बेसिकली कोई टेंस ही नहीं होता आप कह रहे होंगे कैसी बात कर रहे हैं सर आप हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अगर आप ग्रेमेरियंस को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता फ्यूचर बहुत सारे वर्ड से जुड़ के बनता है जैसे अब विल शल ये क्या है मॉडल वर्ब्स है फ्यूचर बताने के इंग्लिश में बहुत तरीके हैं अब टेंस की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें उसके सब्जेक्ट के नंबर और टाइम के अकॉर्डिंग उसके वर्ब में चेंजेस आती है बट फ्यूचर में ऐसा नहीं होता फ्यूचर में कोई वर्ड लगेगा फिर उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी चाहे आप विल लगा लो शेल लगा लो हालांकि अब सब जगह विल ही लगाया जाता है अब आई और वी के साथ ऐसे फॉर्मल uh, इंग्लिश में होता है कि हम शेल लगाते हैं आप सबके साथ विल लगा सकते हैं या गोइंग टू का यूज़ कर दो आप अबाउट टू का यूज़ कर दो इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा अब मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को कुछ कॉमन गलतियां करते हुए देखा है यू you नो know, उनको लगता है कि यू नो पास्ट का हमेशा वॉजवर ही होता है मैंने अभी आपको समझाया कि भाई वॉज वर बी की फॉर्म है बी के अपने यूसेज है इन दैफ्ट आपको उसको पढ़ना पड़ेगा आई मीन दैट वॉन्ट बी इन एन एडिक्यूट वीडियो टू लर्न दैट यू नीड टू फॉलो सम अदर वीडियोज गो इन डीप तब आप बेहतर यूज कर पाएंगे तो लाइक like, मैं कई बार स्टूडेंट से पूछता हूँ कि बताओ uh, uh, मैं गाना गाता हूँ तो आए सिंग अ सॉन्ग इट्स अंगजी मैंने कल गाना गाया था तो कई बार स्टूडेंट्स कहते थे आई वॉज सिंग सॉन्ग उन्हें लगता है कि पास आ गया तो वर्स के बाद फिर वर्ब की फॉर्म लगा देंगे ऐसा नहीं है जो वर्ब आपने प्रेजेंट में यूज किया उसी की सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी सो आई सिंग अ सॉन्ग का पास्ट बनेगा आई ऐसी यूज करेंगे ठीक है तो आपको इनको स्टेप बाय स्टेप लर्न करना पड़ेगा शॉर्ट वीडियो में आपको एक ओवरव्यू दिया गया है इसको अच्छे से लर्न करने के लिए आपको स्टेप स्टेप चीजें सीखनी पड़ेगी फिर जाके आप बखूबी एक बार वर्ब आपने कंट्रोल कर लिया ना टेंस आपके हाथ में उसके बाद फिर पैसे बीसीपी बनता, बीसी बनता है पूरी कम्युनिकेशन इजिली करता है या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जो स्टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर Download Joe Stock's English speaking app today and change your personality.